Good morning students. Today we will discuss about a common topic of class 6, 7, 8 grammar book, that is noun. And in my previous video I have discussed some types of nouns. Today we will discuss another type, that is countable and uncountable nouns. Countable means that can be counted. Okay, this one can be gin sakte hai, theek hai, that is countable nouns, like fingers, flowers, cars, children, etc. Okay, so it can be used by numbers. Okay, we can use numbers for the countable nouns, like 5 fingers, 5 flowers, 7 cars, okay, and 100 children, like that. We can use number countable noun ke pehle hum log kya kar sakte hain, नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, ठीक है. तो नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, लाइक राइस, शुगर, मिल्क, वाटर. ओके, यू कांट से दैट 5 मिल्क 7 वाटर, यू कांट से. ओके, सो वी यूज क्वांटिटी फॉर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, करते हैं ना, क्वांटिटी यूज करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल वी से अ लिटिल वाटर, अ लॉट ऑफ मिल्क. अ लॉट ऑफ मिल्क बोलते हैं, लिटिल वाटर बोलते हैं. ओके, सो इफ यू वी हैव टू यूज नंबर्स, वी यूजुअली यूज सम अदर काउंटेबल नाउन्स विद द विद दिस नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स हम लोगों को यूज करने में, जब नंबर्स का यूज उसके साथ होगा तो वो क्या कर लेगा, अपने साथ काउंटेबल नाउन्स को जोड़ लेगा. कैसे, जैसे हम बोलते हैं हमको पानी चाहिए, आई वांट वाटर. कितना पानी चाहिए ना, वन ग्लास ऑफ वाटर. देखो इसमें एक सीमित एक काउंट आ रहा है, लेकिन जब हम बोल रहा है वन ग्लास ऑफ वाटर इन दिस सेंटेंस, इन दिस फ्रेज, यू कैन से दैट one glass of water. Okay, it is not sentence, phrase. One glass of water. So glass here using, glass here countable nouns. We can say that 5 glass, 10 glass, 7 glasses of water. Okay, so here glass is countable noun, water is uncountable. Water uncountable, लेकिन उसको हम लोग क्या एक limitation देने के लिए उसके पहले हम लोग क्या यूज किए, countable noun यूज किए हैं और उसके पहले number यूज किए. तो जब अनकाउंटेबल नंबर नाम के साथ हम लोगों को नंबर यूज करना रहेगा तो उसके सामने हम लोगों को क्या लाना पड़ेगा, काउंटेबल नाम को लाना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम नाउन्स और वर्ड्स दैट can be used as both countable and uncountable nouns. Like chicken. So chicken when we will use as countable nouns, as an animal. जब animal उसको लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, countable nouns. Like we have 10 cows and 15 chickens in our farm. ठीक है, जब हम उसको एनिमल की तरह लेंगे तब हम उसको काउंट कर सकते हैं, 15 chickens 10 chickens, ठीक है. जब उसको काट कर हम लोग जब फूड लेंगे, जब फूड के तरह हम लोग यूज करेंगे, जब उस तब अनकाउंटेबल नाउन्स. वुड यू लाइक सम चिकन, वुड यू लाइक सम मोर चिकन, ठीक है. तो जब तुमको खाने का रहेगा, जब पीस ऑल एनिमल के तरह, जब जब जिंदा है एनिमल, जैसे हम मेरा 15 मुर्गा है, ठीक है, मेरे घर में, तो हम लोग तब यूज क्या करेंगे, 15 है तो उसमें काउंटेबल. और जब हम लोग उसको काट के जब पीस लेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे वुड यू लाइक सम चिकन, तुम खाने के टाइम बैठे हो, तुमको डिनर में चिकन मिला, तुम थोड़ा सा चिकन खाते हो, तो थोड़ा सा कितना है हम लोग काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, उस टाइम हम लोग उसका अनकाउंटेबल की तरह यूज कर सकते, ठीक है. लाइक और ऐसे भी वर्ड्स है, सम वर्ड्स लाइक हेयर, टाइम, रूम, मेमोरी, ये सब वर्ड्स क्या कर सकते हैं, टी, कॉफी, वाटर, बियर, ये सब भी वी कैन डिस्कस लॉट.
ऐसे सब वर्ड क्या एक बार काउंटेबल और एक बार अनकाउंटेबल वर्ड में यूज होता है। लाइक हेयर हम पकड़ेंगे तो कैसे करेंगे, जब हम इंडिविजुअल एक एक बालों को कर रहे हैं काउंट, ठीक है, जैसे हम मेरा तुम्हारा खाना में, ठीक है, सब पांच बाल गिर गया था, तो आई काउंट फाइव हेयर्स इन माई फूट। जब तुम्हारा पूरा राउंड के उसका बाल सफेद है तो तब पूरा ऑल द हेयर इज टेलिंग, तब काउंट नहीं होगा, तब तुम काउंट नहीं कर पाओगे। तुम्हारे खाने में पांच बाल गिरा है उसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम गिन सकते हो, ठीक है, वो तब इंडिविजुअल क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। लेकिन हम जब पूरा बाल की बात कर रहे हैं, हिज हेयर इज व्हाइट, तो उसका पूरा बाल क्या है, व्हाइट है, तो वो अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। लाइक दिस टाइम रूम्स मेमोरी कैन बी यूज्ड एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ओके okay.